आगरा कैंट जीआरपी और आरपीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 40 किलो गांजा बरामद किया है, तो वहीं पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें, गांजा तस्कर गांजा को विशाखापट्टनम से दिल्ली लेकर जा रहे थे। कैंट रेलवे स्टेशन पे हमारी जीआरपी की टीम और आरपीएफ टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान मेन गेट पर 4 लोग जो संदेह के परिधि में आए, इन लोगों को, उनके सामान को और व्यक्ति भी संदेह के दायरे में आए, तो इन लोगों का चेकिंग किया गया। चेकिंग के दौरान इनके पास से 40 किलो गांजा की बरामदगी हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 4 लाख रुपया है। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के जंगलों में अचानक आग लग गई। देखते ही जंगल में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वही ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रुद्रप्रयाग में आपदा के 9 सालों बाद आखिरकार केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरी कुंड में प्राथमिक विद्यालय खुल गए हैं। ये विद्यालय आपदा में ध्वस्त हो गया था और पिछले 9 वर्षों से बंद था। जहां गौरी कुंड के बच्चे 5 किलोमीटर दूर सोनप्रयाग शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन अब मरम्मत होने के बाद विद्यालय में कक्षाएं चलनी शुरू हो गई हैं। सर, ग्राम प्रधान गौरीकुंड और गौरीकुंड वासियों के द्वारा हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग को एक पत्र दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि यहाँ पे 10 से 15 बच्चे हैं और यहाँ पे स्कूल खोला जाए। तो इसी क्रम में जो सीओ साहब का लेटर था हमारे उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय ने मुझे यहाँ पे पर्सनली, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोनार में कार्यरत हूँ, लेकिन मैं यहाँ पूर्व में यहीं पर रह चुका हूँ। आम सभा गौरीकुंड के प्राथमिक विद्यालय का शिक्षा विभाग के अध्यापक द्वारा यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया और हमें गौरीकुंड गांव वालों को पूरा विश्वास है कि अब पुनः हमारा विद्यालय का सत्र अगले कुछ दिनों में सुचारू होने का, संचालन होने को जा रहा है। वर्ष 2013 की डिजास्टर में हमारा ये विद्यालय भयवश, चिंतावश जो बच्चों का माहौल था, उसमें यहाँ पर जो प्राकृतिक घटना घट गई थी, उसके कारण हमारे विद्यालय बंद हो गया था। जो बच्चों के माता पिता हैं अपने बच्चों को अन्यत्र लेके गए थे और उस समय छात्र संख्या उस समय शून्य हो गई थी, तो वर्तमान में हमारे पास छात्र संख्या भी बढ़ी है और आज हमने एक औपचारिकता रूप से इस विद्यालय का उद्घाटन किया है। हमारे यहाँ संभल में स्कूल पर अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए छात्र छात्राओं ने आगरा मुरादाबाद एनएच पर जाम लगा दिया, जहां पुलिस ने दखल देकर जाम खुलवाया और छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल को भेज दिया। दरअसल स्कूल प्रबंधन पर छात्र छात्रा प्रैक्टिकल और शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर अवैध उगाही का आरोप लगा रहे थे। मैं लोहिया कॉन्वेंट में पढ़ता, जो जेजेडी की ब्रांच है। क्या दिक्कत है? ये है कि शॉर्ट अटेंडेंस है 1-2%, तो बोल रहे हैं 5,000 रुपए फाइन दो, तब आपको प्रैक्टिकल देना और बोल रहे हैं जब तक आपको एक बार आपकी पूरी साल बर्बादी कर दी जाएगी, तब तक आपके समय में आएगा, तब तक आप फाइन नहीं दोगे। डांट मार के क्लास से ऑफिस से बाहर निकाल दिया हमें। इसका जो ऑब्जेक्ट ये रहा था कि इनकी परसेंटेज पूरी नहीं हो पा रही थी बोर्ड के मानक के अनुसार, तो इनसे वो चाह रहे थे कि ये किसी तरह से इनकी परसेंट पूरी हो जाए जी, बल्कि और कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था परसेंट इनको, इनको जिससे आगे आने वाले बच्चों में सुधार हो सके। लोहिया कॉन्वेंट स्कूल में जो है बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से कुछ आया था कि प्रैक्टिकल से उन्हें रोका जा रहा था जी, तो यही शिकायत थी बच्चों की कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है, तो प्रिंसिपल बुलाए थे वहाँ पे और उनकी बात करा दी गई, प्रिंसिपल उन्हें प्रैक्टिकल के लिए ले गए और किसी तरह का उनसे पैसे की मांग और किसी तरह की कोई नहीं की जाएगी और सही तरीके से प्रैक्टिकल कराया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू गुरुवार को हेली से गोविंद घाट पहुंचे, जहां उन्होंने हेमकुंड साहिब और घांगरिया का हवाई निरीक्षण किया। उसके बाद मुख्य सचिव ने गोविंद घाट से पुलना सड़क और पैदल मार्ग पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। रिकंस्ट्रक्शन होना है और सारा ही एक नया टाउनशिप बनना है जो के सारे और आपने देखा होगा कि काफ़ी बिल्डिंग टूट चुकी है और अभी नया काम शुरू हो गया है, अभी बर्फ़ पिघली है और इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि अगले 7-8 महीने में लगभग सभी कार्य पूर्ण कर लेंगे, युद्ध स्तर पर कार्य करने की पूरी योजना। इस बार पूरी यात्रा जो है चलेगी,
तो जैसे आप उसकी सारी की व्यवस्था की जाएगी। हमने देहरादून में भी मीटिंग की सभी विभागों के साथ, जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होगी डीएम साहब भी यहाँ देखते रहेंगे सभी की व्यवस्था। लखनऊ के चिन्हट में गांजे की बड़ी खेप के साथ 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं और लखनऊ में तस्करी का काम करते थे। वही पुलिस ने इनके पास से 40 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 5 लाख के करीब है। कल लगभग 3:30 बजे के आसपास रात को जब चिन्हट पुलिस गश्त कर रही थी, उस समय मुखबिर से एक सूचना मिलती है कि 5 व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर इस तरह का कारोबार करते हैं, गांजा बेचने का कारोबार करते हैं। वो लोग लखनऊ में इस समय सक्रिय हैं और वहाँ पर उस समय हम लोग धाराबंदी करते हैं और हम लोग इनको इंटरसेप्ट करके इन लोग वहाँ पकड़ते हैं। जब मौके पर इंटरसेप्ट किए जाते हैं तो इनके पास से लगभग 40 किलो के आसपास अलग अलग कोठियों में गांजा बरामद इन लोगों के पास से किया जाता है और इनके पास से एक वाहन होता है, एक मोटरसाइकिल होती है और प्लस इनके पास कुछ जब तलाशी की जाती है तो कुछ पैसे। गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संत निरंकारी मिशन के जरिए विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान किशन नारंग ने कहा कि गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज संत निरंकारी मिशन गदरपुर शाखा द्वारा एक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें शौचालय से लेकर हर तरह की साफ सफाई की गई। वही पूरे परिसर को साफ करने के लिए वृक्षारोपण भी किया गया। हाँ जी, आज दासी का नाम सीमा पुन्यानी है और दासी संत निरंकारी मिशन से है और यहाँ पे सतगुरु की कृपा से आज हमें ये सेवा बख्शी गई। अंकल जी की हजूरी में हम ये सेवा कर रहे हैं। सभी महिलाएं पुरुष वृक्षारोपण कर रहे हैं और साफ़ सफाई हॉस्पिटल की टॉयलेट बाथरूम बाकी जाले उतारने ये सारी साफ़ सफाई अभियान आज है तो हमें ये सेवा बख्शी गई और हम सब यही सेवा कर रहे हैं। सतगुरु की कृपा से हम ये सेवा कर रहे हैं। ये सफाई अभियान है सतगुरु के आशीर्वाद से। हम लोग हमेशा पूरे विश्व में ये वृक्षारोपण सफाई अभियान रक्तदान ये हमेशा चलते रहते हैं। आज सभी का ध्यान हुआ कि यहाँ पर आकर सत्संग अपने सरकारी अस्पताल की भी सफाई की जाए। पहले भी 2-4 बार कर चुके हैं यहाँ पर, आज फिर इन्होंने निमंत्रण भी दिया है हमें और फिर हम आकर यहाँ सारे जितने भी साथ में हमारे लगे हुए हैं भाई बहन सब निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते हैं। ऋषिकेश में IDPL के मीरानगर क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान के अंदर गुलदार घुस गया तो वही गुलदार के घुसने पर आंगन में बैठे परिवार में हड़कंप मच गया। परिवार ने जान बचाने के लिए खुद को कमरे में जाकर अंदर से बंद कर लिया। सुबह से ही यहाँ पे गुलदार किसी के घर में आके घुस गया था और जैसे हमने वन विभाग की टीम को सूचना दी थी, वन विभाग की टीम मौके पे पहुँची थी, पहले उनके कर्मचारी पहुँचे, काफ़ी मशक्कत के बाद गुलदार का कमरे में पता नहीं चला। आखिरकार रेंजर साहब को आना पड़ा। रेंजर साहब आए और ये देखिए कि रेंजर साहब पे ही गुलदार ने हमला कर दिया। उनके चेहरे पे नाखून के निशान देखे जा सकते हैं और ये स्थिति है। 4 दिन से मैं लगातार मांग कर रही हूँ कि पिंजरा और लगाया जाए और गश्त बढ़ाई जाए। पूरे गांव में जो है भय का माहौल बना हुआ है, पूरी स्थिति बेकाबू हो चुकी है और अभी पूरी वन विभाग की टीम जो है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के शाहगंज में विधायक रमेश सिंह नायक के तर्ज पर काम कर रहे हैं। विधायक ने आम नागरिक की तरह शहर में निकलकर सभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया, जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। साहब, मामला यही है कि हमारा बसवारी थी, बच्चू लाल बसवारी हमारा कब्जा कर लिया। आधी बसवारी उसकी थी, आधी हमारी थी, लेकिन हमारी बसवारी वो कब्जा कर लिया और उसमें मैं बोलने गए लाठी डंडा लेके मारने मरा रख लिया है। बोलता जो बुलाना जिसको बुला ले। थाने कोई जाती थी? थाने मैं गई थी, थाने वाले रात के 8 बजे तक मुझको बैठाए, बैठाने के बाद बोलते हैं जाओ घर पे। देखिए, हम लोग भरसक यही प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग आम जनमानस जो है जो पिछले कई वर्षों से न्याय के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिल जाए और जो भी सही हो वो चीज़ का मार्गदर्शन उनको उचित अधिकारी द्वारा मिल जाए। और जैसे काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे काफ़ी गरीब लोग ऐसे हैं, आम जनमानस ऐसे हैं कि जिनको मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको सहायता की ज़रूरत है। किसी को कोई कैंसर पीड़ित है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को ब्रेन हेमरेज जैसे बीमारी का शिकार हो गए हैं और वो इलाज नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं।
उसके लिए वो एक बड़ी उम्मीद लेके अपने विधायक के पास आ रहा है और मैं ये भरसक यही प्रयास कर रहा हूँ कि उनको वो सुविधाएं उन तक उपलब्ध कराई जाए और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था उन तक कैसे उपलब्ध हो इसके लिए प्रयास किया जाए। मेरठ के रसूलपुर थाना क्षेत्र के पांचली बुजुर्ग में हथियार बंद अज्ञात बदमाशों ने गौशाला पर पहुंचकर दो लोगों को गोली मार दी, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन डॉक्टरों ने इसे दिल्ली रेफर कर दिया। वही मौके पर SPF प्रभात चौधरी ने पहुंचकर जांच पड़ताल। कल रात में थाना सरूरपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना संज्ञान में आई थी। वहां पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और वहां पता चला कि एक चरागाह की ज़मीन का विवाद है जहां पे एक गौशाला बनी हुई थी और उसके चक्कर में एक व्यक्ति को गोली मारी गई। आपस में थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ था और एक व्यक्ति घायल है। इसमें सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। FIR दर्ज की कर ली गई जिसमें 6 लोग नेम्ड कराए गए हैं, उसमें से 5 की गिरफ्तारी हो गई है। अभी प्रथम दृष्टया चरागाह की ज़मीन का विवाद ही सामने आ रहा है। आगे सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में 25,000 के दो इनामी बदमाशी गोली लगने के बाद अरेस्ट हो गए। वहीं एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया जबकि बदमाशों के 3 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस को बदमाशों की काफी समय से तलाश थी। ये थाना असमौली के अंतर्गत संभल असमौली मार्ग पर आज पुलिस पार्टी के साथ में कुछ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनकी तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इनके 3 अन्य साथी हैं जो यहाँ से भाग गए हैं। यहाँ मौके से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये मोटरसाइकिल अभी कुछ दिन पहले एक जगह से असमौली थाने के अंतर्गत ही लूट में गई थी। इसको ढूंढने का प्रयास चल रहा था। इसी कोशिश के अंतर्गत इन लोगों के साथ आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये जो बदमाश हैं इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इसमें अगर कोई आगे कार्रवाई होती है तो उससे हम आपको सूचित करेंगे। इस पूरी घटनाक्रम में ये जो दोनों बदमाश हैं इनके वो 25,000 का इनाम पहले से था, साथ में 5,000 का इनाम अपनी जो SOG टीम है जिनके साथ ये मुठभेड़ हुई थाना असमौली के साथ में, उनको मेरी तरफ से पुरस्कार देने की घोषणा भी की जाती है। इसकी कॉम्बिंग चल रही है। कॉम्बिंग में जो बाकी 3 बदमाश हैं उनको गिरफ्तारी का प्रयास हुआ। शामली के कांडला क्षेत्र के गांव सल्फा के जंगलों में देर शाम पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को दोनों की हत्याओं का जिम्मेदार ठहराया। वही बताया जा रहा है कि पिता पुत्र की हत्या रुपए के लेन देन के चलते हुई है। मकबूल करके कुछ लोग हैं, उन पैसे उन्होंने 2 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे और वो समय पे दे नहीं पाए। समझौते के तहत ये मकबूलपुर आ गए फैसले के लिए। उन्होंने बुला लिए कि जो व्यवस्था है वो लेके आ जाओ, 50,000 रुपये लेके चले गए। लेकिन वहाँ पे इरादा उनका कुछ और था, वो 50,000 रुपये रख लिए, समझौता नहीं करा और इन्हें बंधक बना के बैठा लिया और बाद में इनका मर्डर कर दिया। मकबूलपुर में किसके पास आए थे? विक्रांत लड़के हैं पर पूरा फैमिली है उसकी इन्वॉल्व, और भी लोग हैं उसमें। कांदा पुलिस को एक सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों के शव सल्फा नाम के गांव के एक सुनसान जगह पर पड़े हुए हैं। सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस व अन्य जितने भी अधिकारी गण थे उन सबके द्वारा मौके पर जाकर मुआयना किया गया और शव की पहचान कराई गई और यह चीज़ पता चली कि लेन देन के विवाद को लेकर यह हत्या की गई थी। और इसमें जो मृतक हैं उनके माता जी की तरफ से तहरीर दी गई है और उस तहरीर के आधार पर 6 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। कन्नौज में विश्व स्वास्थ्य संगठन प्राकृतिक कारणों से होने वाली मौतों पर चिंतित है, जिसके चलते इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य थीम पर जागरूकता प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके लिए बकायदा डॉक्टर आमजन से धरती को हरा भरा रखने की अपील कर रहे हैं, साथ ही खुद भी प्राकृतिक की सुरक्षा की शपथ ले रहे हैं। तो इसके संबंध में बेसिकली जो इस धरा में हम लोग रह रहे हैं और इस ग्रह में जो रह रहे हैं इसको और रहने लायक कैसे बनाएं और इसमें जो प्राणी हैं उनको किस तरीके से ऐसे उनकी गतिविधियां हों जिससे कि हमारे ग्रह पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और सांगोपांगिक मतलब जो हम लोग रह रहे हैं हम पे भी कोई प्रतिकूल असर न पड़े उसके संबंध में अवेयरनेस करने के लिए ये थीम दिया गया है। इसके संबंध में विशेषकर बुज़ुर्गों के लिए
उनके जो बीमारियां हैं उनके बारे में उनको जागरूक करना। संभल में नगर पालिका के चेयरमैन और बसपा नेता द्वारा करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पने का खुलासा किया गया। जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में नगर पालिका के चेयरमैन, पालिका के चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी और उसकी पत्नी सहित तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी पालिका चेयरमैन में बीएसएफ ने नेता रमेश। मंगलौर सीएचसी अस्पताल में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसमें अस्पताल चिकित्सकों के साथ नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सहित आशाओं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने हिस्सा लिया। और ऊपर वाला करे, पूरा विश्व स्वस्थ रहे। एक बड़ी महामारी से पूरा विश्व गुजरा है कोरोना काल में। ऊपर वाले का बड़ा कर्म है कि आज उस बीमारी से राहत मिली है। तो मैं पूरे विश्व को बधाई देना चाहता हूं कि आज हम जो है फिर सामान्य जीवन की तरफ लौटे। इसलिए कि आप कनेक्ट कर पाएँ स्वस्थ अपने हेल्थ के हो और अपने प्लेनेट के साथ में, यानी अपने एनवायरनमेंट के साथ में। तो जिस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इसी प्रकार से हम अपने प्लेनेट को, अपने सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को सही रखें तो हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और अगर हम नहीं रख, एनवायरनमेंट हमारा ख़राब होता है तो किस प्रकार से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा, उसके बारे में परिचर्चा की गई।